हे हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल गाइस। इस समय टाइमिंग हो रहा है, देख रहा हूँ 1:32 हो चुकी है। और गाइस अभी इस समय जो है हम ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं, और आज का ब्लॉग ना कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आने वाले हैं हमारे भैया और भाभी। तो अभी रिसेंटली जो है ना वो स्टेशन पहुंच चुके हैं, और फिलहाल जो है हमने सब कुछ तैयारी कर ली, खाना वाना सब कुछ बन चुका है, और आराध्या भी है यहाँ पे। देखो आराध्या भी है, काफी इंटरेस्टिंग जो है ना, आराध्या भी काफी इंटरेस्ट हो रखी है, काफी खुश हो रखी है, क्योंकि आज आराध्या की भाई आ रहा है ना। कौन आ रहा है? भाई। भाई, भाई का नाम क्या है? हाँ, ऋत्विक कटियार भाई का नाम है, तो वो भी आने वाले हैं। तो अभी मैं नहा चुका हूँ, आराध्या भी नहा चुकी है, सुरभि भी नहा रही है, और बाकी खाने का तैयारी हमने सब कुछ कर दिया है गाइस। और आज ना स्पेशल डे भी है, क्योंकि आज है हमारी बर्थडे। तो गाइस प्लीज कमेंट कर देना यार, हैप्पी बर्थडे तो कर ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग हमारे लिए। तो आज स्पेशल डे भी था, और आज ऑफिस नहीं गया मैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स था, मेडिसिन ले रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नींद आ रही थी। कल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ मुझे ऑफिस टाइम में रहने में, तो इसलिए मैंने आज रेस्ट लिया है, और आज मैं फुल जो है रेस्ट करने वाला हूँ। बीच बीच में ब्लॉग आपको कवर करते रहेंगे, शाम तक लास्ट एंड तक कवर करेंगे। फिलहाल जो है अभी हम जो है एंजॉय करने वाले हैं कुल सारे हैं। हाँ, आराध्या भी एंजॉय करने वाली है, मैं भी एंजॉय करने वाली है, क्योंकि भाई जो है ऑलरेडी स्टेशन रीच कर चुका है, और थोड़ी देर में जो है हमारे पास पहुंच जाएंगे। अराउंड जो है, जैसे कि मैंने आपको टाइमिंग बताया था कि 1:34 ऑलरेडी हो चुका है, और गाइज विद इन द हाफ एन आवर वो लोग हमारे पास पहुंच जाएंगे। तो गाइज मिलते रहेगा, और काफ़ी सारे ब्लॉग्स आज कवर करेंगे, लास्ट इवनिंग तक कवर करेंगे। ओके, आराध्या को कुछ कहना है? बहुत मजा आने वाला है ये देखते हुए कि रात को कैसे एंजॉय होगा। मैं धमाल वाली पार्टी करने वाले हैं। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट मूवमेंट पे। और गाइस फिलहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको हमारे वाले चैनल पे डेली ब्लॉग्स रिलेटेड इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स जो है प्रोवाइड की जाती है। रिसेंटली अभी भी स्टार्ट किया हूँ, आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो गाइस काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाने की कोशिश करूँगा, और भी जैसे ट्रेवलिंग ब्लॉग्स वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, फूडिंग ब्लॉग्स वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, काफ़ी सारे ब्लॉग्स जो है हमारे इस वाले चैनल पर मिलने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं भी वीडियो पे बराबर आती रहूंगी। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टू पार्ट की तरफ। ओके गाइस, स्विच करते हैं नेक्स्ट मोमेंट की तरफ। सो गाइस अभी हमारी न्यू सेटअप की तैयारी चल रही है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो टेबल है वो ऑलरेडी जो है इनकम्प्लीट है, अभी तैयारी हो चुकी है, मतलब टेबल बन चुकी है, इसमें सनमाइका वगैरह लगानी है, इसको फिनिशिंग टचअप देना बाकी है, बाकी ये सेटअप हमारी बन चुकी है, क्योंकि हमारी यहाँ पे अब फ्रंट डेस्क होने वाला है, एक यहाँ पे भी डेस्क आने वाला है, तो फ्रंट डेस्क हमारी सेटअप होने वाला है, और यहीं पे हम अपनी सेटअप को तैयारी करेंगे। गाइस इस समय टाइमिंग हो रहा है, सो गाइस ऋत्विक फाइनली पहुंच गया है, लेकिन बहुत ज्यादा ही परेशान रहा है और ऑटो वाले ने और खज्जल कर दी, कहीं और ही पहुंच गए ये लोग। तो अभी जाता हूँ, बाइक लेके जाऊँगा, तो अभी सामान काफ़ी है तो पिक करके ले आता हूँ सामान। सो फाइनली पहुँच तो गए, बट परेशानी हुई काफ़ी, क्योंकि काफ़ी सारा मकान भी बन गया है, तो फाइनली जो है रास्ता थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई। सो गाइज इस समय टाइम हो रहा है 4:58 हो चुके हैं, शाम हो चुका है गाइज। तो अभी हमने खाना वाना सब कुछ खा चुके हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, और भैया भाभी आए थे, फिर नहाने चले गए थे, नहाने आने के बाद खाना वाना हो चुका है हमारी, और इस समय टाइम 5 चुके हैं गाइज। तो अभी मैं लेटने जा रहा हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था मेडिसिन ले रहा हूँ, जिसकी वजह से नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा, देन गाइज मिलेंगे ऑन दी इवनिंग। इवनिंग तो हो चुकी है गाइज, रात होने पर मिलेंगे। तो फिलहाल भैया भाभी लोग आ चुके हैं हमारे यहाँ, तो आराध्या तो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा ही खुश है, और ऋतु के साथ वो बराबर खेलने में बिजी है। तो चलिए मैं ले जाके आपको दिखा देता हूँ बैक कैमरा से भी। सो गाइस चलते हैं कमरे की तरफ, और ये रही भाभी और सुरभि, और ये रहा ऋतु, और ये रही असली कार्टूनी।
तो क्या हो रहा है भाई, क्या करा जा रहा है? शहर बनाया जा रहा है। सो गाइज फाइनली मैं भी जा रहा हूँ लेटने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा टायर्ड हो गया हूँ, थक गया हूँ। एक्चुअल में 3 दिन से लगातार जो है ना काम कर रहा था और काफी ज्यादा टायर्ड हो रखा हूँ, तो आज मैंने फुल रेस्ट लिया है। छुट्टी भी इसलिए लिया है क्योंकि सोना था, बट दिन भर और रात शाम हो गई अभी तक रेस्ट नहीं कर पाए। तो बस गाइज अभी जा रहा हूँ सोने के लिए, तो 1 से 1.5 घंटे का हम पावर नैप लेने वाले हैं, उसके बाद से फिर से अपने कंटिन्यू करेंगे। और वीडियोज़ भी एडिटिंग करनी है, काफ़ी दिन हो गया एडिटिंग नहीं कर पाया था, बिजी रूटीन था, दैट्स वाई। बट आज हम एडिटिंग करेंगे, कल वीडियो जरूर ऑब्वियसली आपको मिलेगा, कोशिश डेली रहेगा। बट यार थोड़ा सा घर पे काम है, तो थोड़ा बहुत यार अंडरस्टैंडिंग करना, बिजी में शायद आपको वीडियोज़ ना मिले, बट कोशिश रहेगा हमारी एंड से कि आपको डेली वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाए। सो गाइज इस समय टाइमिंग हो रहा है रात के 9:35 हो चुके हैं गाइज। हाँ गाइज काफी लंबे ब्लॉग खींच गया आज का, और अभी राइट नाउ ना 9:30 हो चुके हैं और सभी लोग तैयार हो चुके हैं। ऑब्वियसली मैं ही नहीं होगा यहाँ पर, तो पर्सनली ही तैयार हूँ, फुल नहीं हूँ, ठीक है। फिलहाल जो बताया था आपको, आज बर्थडे है हमारी, तो भाभी भैया लेके आ रखे हैं केक हमारे लिए, तो वो भी करने वाले हैं केक को कट। और आराध्या वगैरह सब लोग तैयार हो चुके हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए सुरभि को देखिए, और इधर भी ये देखो भाभी भी तैयार हो चुकी हैं, और आराध्या और रुचि मौसी मलाई ये बैगन भाई, आज तो सारे लोग हो गए भाई, बैगन मलाई आम है। सो गाइस फाइनली दूसरा तो हो गया है, दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी करने वाले के बट थोड़ी देर से कि कैंडल हो जाएगा ना, कोई बात नहीं आया है, अच्छा कैंडल आया है, लगाएंगे गर्मी है बहुत गर्मी है। सो गाइज नाउ द टाइमिंग इज 10:03 हो चुके हैं, यानी 10:03 हो चुके हैं रात के। और ऑब्वियसली यार काफ़ी टाइम हो गया है, और जो सेलिब्रेशंस करना था ना वो हमने सेलिब्रेट कर दिया है। जो भैया भाभी ने केक लाए थे हमारे लिए, आज बर्थडे था हमारा तो उसको सेलिब्रेट करना था हमें, तो हमने वो सेलिब्रेट कर लिया है। केक अभी हमने खाया नहीं है, किसी ने भी नहीं ट्राई किया है, थोड़ा बहुत चखे थे खाली, बट अभी हमने उसको फ्रीजर में रख दिया है क्योंकि केक काफ़ी गर्म था और ठंडे होने के लिए रख दिया है, तो मज़ा नहीं आता खाने में, इसलिए फ्रीजर में उसको पुट कर दिया। अभी खाएंगे 1:30 के आसपास, उसको हम टेस्ट करेंगे।
तो आज हमने जो केक लाया ना, वो नया केक लाया है पिस्ता फ्लेवर। ऑब्वियसली यार, नहीं तो मैं तो बटर स्कॉच ही लेके आता था, बट आज पिस्ता फ्लेवर लेके आए, तो उसको भी ट्राई करेंगे। तो खाने में तो ठीक लग रहा था, बट देखेंगे अभी और भी ट्राई करके ठंडे में कैसे लगता है गाइज। और गाइज फाइनली सारा कंप्लीशन हो चुका है, सेलिब्रेशन वगैरह हो चुके हैं गाइज, और 10 बज चुके हैं, खाना भी अभी बन रहा है। ऑब्वियसली जो है शायद 70% कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा बहुत और रह गया, रोटी वोटी बनाने को रह गए, तो वो अभी आराध्या सुरभि और भाभी लगी हैं किचन में और दोनों लोग बना रही हैं। तो बाकी आराध्या और ऋत्विक दोनों जो है उस कमरे पे हैं, वहाँ पे खेल रहे हैं या बात कर रहे हैं नाना से, साइड समथिंग एल्स। और फिलहाल आज की इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यार आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मैंने बेस्ट से बेस्ट ट्राई किया कि आप लोगों के पास अच्छे ब्लॉग्स प्रोवाइड कर सकूँ। अभी ऐसा कैमरा नहीं है गाइस, तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। जब अच्छी फॉलोअर्स हो जाएंगे हमारे तो मैं कैमरा भी ले लूँगा, जिससे आप लोगों को पिक्चर क्वालिटी और बेस्ट दे सकूँ। और साउंड क्वालिटी के लिए भी थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट, क्योंकि साउंड क्वालिटी इसलिए थोड़ा सा बेटर नहीं देखने को मिल रहा होगा गाइस, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, पंखा चलाना मजबूरी पड़ रही है हमारी, वरना पसीने से लस हो जाएंगे तो वीडियो में अच्छे नहीं लगेंगे, तो वो मजबूरी थी हमारी। तो गाइज आई होप अंडरस्टैंड टू यू ऑल दैट कि जो प्रॉब्लम्स है वो आप समझ सकते हैं। और कैसा लगा आपको ये ब्लॉग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो ये आप भेजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और फिलहाल आज के इस ब्लॉग को हम ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।